सो गाइस, तो मैं आज आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना रुके वीडियो को। सो गाइस, ये आंटी भी हमारा वेलकम करते हुए, और हम यहाँ पे जंप वंप लगाते हुए और डंबल वंबल पड़े हुए हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं। जी हाँ, ये जो सारा हमारी आंटी हैं वो 30-40 साल की हो गई हैं, इसलिए वो डंबल नहीं उठा सकती। सॉरी, मजाक था। आज हम आ चुके हैं मीरामार मैप में, और इस मैप में हम जाएंगे कुछ एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे लिए एक खास गाड़ी खड़ी होगी, और वो गाड़ी हमें वहाँ से लेके फिर आपके लिए कुछ सिनेमेटिक्स भी हैं, उनको भी आप इंजॉय करते हो। और ये है हमारा प्लेन, एरोप्लेन, जिस पे अभी स्किन नहीं लगी, अभी हमारी नाम की स्किन चढ़ने वाली है इस पे, और फिर देखना हमारा जहाज कैसा लगता है। ओहो, सेकंड एनिवर्सरी का, मेरे को इस जो अभी आया था ना स्किन प्लेन का, वो पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं लगाया। सो गाइस, तो हमी अभी यार हसेंदा दल पत्रो इधर उतरेंगे। सो इधर एक घर है जहाँ पे मैं मार्क करूँगा, देखना। यहाँ पे मार्क करूँगा, और इधर शोरूम में जो आपने देखी होगी गोल्डन मिराडो खड़ी होगी, हमारा इंतज़ार कर रही होगी, और कतई जहर वहाँ पे कोई बंदा नहीं उतरेगा। ये लॉबी हमें लगी थी सिर्फ 4-5 बंदों की जो पड़ोस है, बाकी सारे बोट आए थे, तो बस हम फन करते हुए आए थे, हमने सोचा कि कोई नहीं है, लेकिन लास्ट में जब मतलब ड्रॉप आया ना, तो भाई बहुत सारे बंदे आए, मतलब कि एक डुओ वाला आया, दूसरा भी डुओ वाला आया, और दूसरा जो डुओ वाला था ना उसके साथ प्रैंक हो गया, सही है ना, वो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। तो अभी तो हम लैंडिंग कर रहे हैं हवा में, और मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल, और ये हमारा पैराशूट खुल गया और हम उड़ने से लाचार। और थोड़ा सा इधर करेंगे तो हमारी ग्राफिक्स रेंडर नहीं करेंगी, और फिर हम यहाँ पे उतरते हैं, और अब देखें ये देखें ग्राफिक्स अभी सही हुए हैं, पहले रेंडर ही नहीं हुए थे, 30 एंड्रॉइड ग्राफिक्स। और यहाँ पे हमें लेवल 2 का बैग मिलता है, और यहाँ पे हम चलते हैं नीचे, एनर्जी ड्रिंक पिस्टल को नहीं उठाते हैं, लेवल 1 का वेस्ट, यहाँ पे लेवल 2 या लेवल 3 का हेलमेट, और एक पेन किलर, साउंड ऑफ शॉटगन, और यहाँ पे M416। ओहो, M416 मणे हमारे को M4 मिला, M4। यहाँ पे लेवल 3 का बैग और ग्रेनेड, और यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं तो एक बोर्ड खड़ा होता है, उसको हम बाबू भैया को फिनिश करते हैं, उसकी टट्टी निकाल देते हैं, और ये यहाँ पे खड़ा होता है, इसके पास पता है कौन सी गन होती है, बैरल नहीं होती, अच्छा वो अलग वाले होती है, इसके पास होती है M16A4। तो हम मिनी को निकालते हैं और M16 को उठाते हैं। तो वक्त हो चुका है सिनेमैटिक्स का, सो सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। और हम आ चुके हैं यहाँ पे बाबू भैया को फिनिश करने के लिए, और बाबू भैया को फिनिश करते हुए हमारे हो गए 2 किल, एक बाबू भैया वहाँ पे फिनिश किया, एक बाबू भैया यहाँ पे फिनिश किया, और इस बाबू भैया से देखते हैं हमें क्या मिलता है। इस बाबू भैया से हमें मिलती है M762। जी हाँ, M762 अभी मिली है भाई, बहुत रुला है तुमने।
सो गाइस, तो कमेंट में बताना किस में ट्रिक्स कैसे लगे। और यहाँ पे हम आ चुके हैं गन रिलोड करते हुए और कूदते, और ये क्रेट, ये जो हमारे फ्रेंड ने उसको मारा था वो वाली क्रेट। यहाँ पे हम थोड़ी सी मजाक मश्करी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये सीन कट करना पड़ा क्योंकि बहुत लंबा हो चुका था गाइस। सीरियसली 28 मिनट्स का मुझे उसको कट करके 12 मिनट्स का करना था। सो इसके बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें काटी हैं, लेकिन उसको वैसे भी आप देख के बोर आ जाते हैं क्योंकि हम इतना बड़ा मैप है। सीरियसली हमें ड्रॉप तक जाने के लिए पूरे 2 गैस कैन लगे, 2 गैस कैन मेराडो के लिए। मैंने एक उठा रखा है, एक और उठाऊंगा, फिर उसके लिए पीछे पीछे ड्रॉप की जाऊंगा, फिर वहां पे ड्रॉप गिरता है, फिर ड्रॉप गिरने के बाद बंदे भी आते हैं, और बंदे आने के बाद फिर बहुत अच्छा सीन होता है। सो यहाँ पे हम शॉटगन का एमो उठाते हैं और साउंड ऑफ में काम देता है ना। एक नेट जाया कर चुके हैं, लेकिन दूसरा नेट हम नहीं करते। मेरे दोस्तों में बोलता हूँ, आ जा भाई, चलते हैं अभी, गेट इन द कार। सो अभी जाने के बाद हम बैठेंगे सीधा अपनी मेरेडो में। फिलहाल के लिए हम ऊपर से थोड़ा सा गिरेंगे। मैंने सुना था मिथ से कि अगर आप ऊपर से गिरते हो और मुक्कों का यूज करते हो ना, तो आपको डैमेज नहीं होगा, लेकिन डैमेज होता है। देखो कितना डैमेज हुआ मुझे, अभी मैं बैंडेजेस कर रहा हूँ। और इसको मैं बोलता हूँ, भाई मेरे को चलाने दे, तू खराब ड्राइवर है, चटनी ड्राइवर है सफा, मतलब तेरे को अक्ल ही नहीं है। लेकिन वो बोलते मैं ड्राइव करूंगा। फिर मैंने बोला, भाई तू ड्राइव कर, मेरे को चढ़ना ही नहीं है, एक्सीडेंट करवाएगा क्या। फिर मैं ड्राइव करता हूँ, फिर ड्राइव करने के बाद अभी ड्रॉप को देखते हैं, वो सामने से ड्रॉप गुजर रहा होता है, हमें जाना होता है ड्रॉप के पास, सही है, ड्रॉप के पास जाना होता है। हम घंटों लगा देते हैं ड्रॉप के पास, लेकिन ये उबड़ खाबड़ रास्ते खत्म ही नहीं होते। 2 गैस कैन खत्म कर चुके होते हैं एक्चुअली हम, बस क्या बताएं। फिर जाके हम ड्रॉप पे पहुंचते हैं, वो भी वो वाला सेम ड्रॉप नहीं, दूसरा ड्रॉप होता है, अलग ड्रॉप। और यहाँ पे आए हम, अपने मेन रोड पे चढ़े, और मेन रोड पे चढ़ने के बाद हम थोड़ा सा सीन कट करेंगे क्योंकि बहुत मतलब खुआरी होगी यार। ये देखो अभी यहाँ पे चढ़ेंगे, यहाँ पे हमें बाबू भैया मिले, और बाबू भैया को फिनिश करते हुए हम, हाय हाय बाबू भैया, छी छी बदबूदार बाबू भैया, बस बाबू भैया की बदबू सुन के हम गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से पुतले बन गए। और हमने सोचा कि अभी गाड़ी रोकनी नहीं है भाई, बस कुछ भी हो जाए, गाड़ी नहीं रुकने वाली। और यहाँ पे हमने दूसरे बाबू भैया को फिनिश किया, और फिर इस बाबू भैया को, और फिर हमारी हो गई पेन फाइट। उसके पास, बेचारे के पास पेन तो था नहीं, वो मुझे मिली सी मार रहा था बुचर की तरह, मुझे कोई हो रहा था मांगी। और फिर ये सीन कट किया, सामने ड्रॉप था, ये गाड़ी हमारी फंस गई। फिर ये पता नहीं कहाँ से हमारे लिए गाड़ी निकाल के आ गई खड्डे से, इतना बड़ा गड्ढा था उसमें गाड़ी फंस गई। और ये सामने ड्रॉप, हम जैसे ही ड्रॉप लूटते हैं, ड्रॉप में होती है हमारी पहली मोहब्बत में, आहा लेवल 3 ओम का मैग। मजे। तो हम गाड़ी में बैठते हैं, पीछे से देखते हैं, भाई सीन ही कुछ और हो जाता है। बगी आती है, 2 बंदे होते हैं, मैं पीछे से फ्लैंक करता हूँ, इस पे अटैक कर देते हैं बेचारे गरीब पे। लेकिन ये बंदा भी कुछ अलग है, मैंने सोचा ये नॉक हो जाएगा, लेकिन ये नॉक नहीं हुआ। अभी देखो, मैं पीछे से फ्लैंक करूंगा येलो कपड़े वाले को नॉक करूंगा, मतलब नॉक होगा वो उसको फिनिश कर देगा, दोनों खत्म। ये था मजे वाला सीन। सो ये बाबू भैया चिंदे खाए थे बाबू भैया ने, ये दूसरा बाबू भैया, ओए होए आम का शॉट खाया, बदबूदार शॉट आम का, गर्मियों के मौसम में आम बदबूदार आम, ओए होए, मजे। दूसरे बंदे आ गए, पता नहीं कितने बंदे थे, कसम से यार मैं बंदे मार मार के थक गया। सारे बोट थे, लेकिन था सिर्फ ये जिसको मार रहा हूँ मैं, ये मुझे डैमेज दे रहा था, ये इसको आम को छोड़ लग ही नहीं रहा था यार, कसम से। मेरा फोन उस टाइम इतना लेट कर रहा था, मेरा नेटवर्क पता नहीं कितने पिंग आ रहे थे, लेकिन भाई दे पीछे से भी पड़ रही थी, उसकी लगातार जाया हो रही थी गोलियाँ, लेकिन मुझ पर नहीं पड़ रही थी, मुझ पर कम पड़ रही थी। सो यहाँ पे हम हील करते हुए फिर आगे जाके हमारे टीममेट जो होते वो नॉक हो जाता। भाई मैं बोलता हूँ, तू क्या कर रहा है भाई, तू तो हमारा एक सारा है, तू तो हमारा एक प्रो प्लेयर है, हम तो नूबड़े हैं भाई, जस्ट नूबड़े।
हमारे पास हमारी पहली मोहब्बत क्या आ गई, हमारी तो जान खतरे में आ गई भाई। बस क्या करें, फेस करना पड़ेगा। सो वहां से हम यहाँ से कतई जहर नेड करते हैं, लेकिन उसको डैमेज पड़ता है, वो मरता नहीं साला। ये मैंने नेड फेंका सही ना, ये इधर फटेगा, पीछे जाके मैं दूसरा नेड फेंकूंगा, वो उसको फेस बाय फेस मतलब उसके पीछे जाके फटेगा, लेकिन उसको लगेगा नहीं, बच जाएगा बेचारा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे मुंडी दे रहा है, लेकिन उसकी मुंडी नहीं थी अफसोस, और हमारे पास कोई अच्छा सा स्कोप भी नहीं था। हमारे पास था 2x से मैं अभी उसकी कहाँ पे दुई में गोली मारूंगा क्या। तो हम यहाँ पे नेड करने की कोशिश, और ये नेड इसी जगह पे ये बंदा खड़ा था, उसको डैमेज भी हुआ था, सही है ना। ऐसी जगह नहीं, ये तो बोट था भाई, सॉरी यार, ब्रो आई एम सॉरी। और ये कार 98 का शॉट पड़ा और हमारे टीममेट की जान खतरे में आ गई, इन्होंने हमारी जान खतरे में कर दी। मैं उस वक्त बहुत पैनिक हो गया था, मैंने बोला भाई आज तो गए, पक्का गए, हमारे चिकन डिनर गया। लेकिन भाई बस क्या बताएं, उस बंदे को मेरे दोस्त ने भेजा फ्राई कर दिया, उसको चट कर दिया, चट से फट कर दिया। और फिर ये हम कूदते, ये मैंने उसको ओम से नॉक कर दिया, जो बंदा मुझे बार बार चोट मार रहा था ना सामने वाला, और मौली से फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मौली गिर जाती है यहाँ पे। सो पीछे वाले बंदे को देखते हैं तो उसको मेरा दोस्त फिनिश कर देता है, तो दोनों हो गए फिनिश। और यहाँ पे एक बोट भैया होते हैं, बाबू भैया, वो उनकी लूट कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं भाई ऐसे कैसे, मतलब कि हम तो यहाँ पे है ही नहीं, हमने तो आपको देखा ही नहीं लूट करते हुए। ये और ये पड़ा इनको हेडशॉट और 10 किल इसी के साथ हमारे वो पूरे। और बाकी के जो बंदे थे ना, दो आए हाय गजब बंदे थे, कसम से यार क्या बताऊं, गजब बंदे, मजा आ गया भाई, मजा, ओए मजा। तो ये भी बाबू भैया हमारी पाद मारेंगे, देखा, ये भी हेडशॉट दे गए पाद मारते हुए। और यहाँ से हमें मिलेंगे 6x स्कोप और एक ग्रेनेड, 6x आगे वाली क्रेट में मिलेगा, ओ इस वाली क्रेट में ओम भी पड़ी, ओम की गोलियां भी बहुत सारी पड़ी होगी, और मजा आ जाएगा। सर 12 बुलेट्स मैं अपने फ्रेंड को देता हूँ और 12 खुद रखता हूँ। और ये 6x उठाया और ये इसको हम स्प्रे देते हो, नॉक करते हैं। मैं उसको बोलता हूँ भाई ट्रोल करते हैं, नूबड़े फुल ऑन नूबड़े, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता, वो उसको फिनिश कर देता है। मैंने बोला वो उसको रिवाइव देगा, हम उसको पीछे चले जाके वो जैसे उठेगा फिर हम उसको नॉक कर देंगे, थोड़ी वीडियो लंबी तो होनी चाहिए, लेकिन वो आके इसको फिनिश कर देता है यार, बस बात खत्म। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।